गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लेट। लेट पे हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, दैट वाज द पार्ट वन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द पार्ट टू। ठीक है, तो पार्ट टू में क्या है कि हम लेट को एक वर्ब के रूप में यूज करते हैं, और जहां पर वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसका अर्थ होता है होने देना, कोई काम होने देना। तो एज अ वर्ब आप इसे किसी भी टेंस में, मुडास के साथ, पैसिव के साथ कहीं भी यूज कर सकते हैं। बस हम वही वाला पॉइंट आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर लेट का मतलब है होने देना, और लेट की तीन फॉर्म होती हैं, लेट लेट लेट, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि कट कट कट। ओके, एग्जांपल लेते हैं। पहला, वह मुझे पढ़ने नहीं देती है। अब देखिए यहां पर लास्ट में आ रहा है ता है, ती है, ते है, और पढ़ने नहीं देती है, पढ़ने देना यानी कि ये काम, पढ़ने का काम होने देना। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है तो हम इसे प्रेजेंट इनडेफिनेट के रूल से ही बना रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है इसमें, लेकिन लेट को हम एज अ मेन वर्ब लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव होने की वजह से आया शी डज नॉट, क्योंकि शी हमारा सब्जेक्ट है, तो ही शी इट के साथ डू डस आपने प्रेजेंट इनडेफिनेट में सीखा ही होगा, तो ज्यादा उसकी बात नहीं करेंगे, अभी लेट की बात करेंगे। शी डज नॉट लेट मी स्टडी, वह मुझे पढ़ने नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा, गा गेगी, यानी कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो यहां पर भी हम लेट को मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। आई विल नॉट, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, तो आई विल नॉट लेट यू गो देयर। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा लेट जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने कल मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ने दिया, हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। मैं अलग अलग टेंस में इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम इसे किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसने कल मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ने दिया, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, आ ए ई की मात्रा आ रही है इसमें। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनेट में हम क्या यूज करते हैं, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही डिड नॉट लेट मी स्टडी एट ऑल, एट ऑल मतलब बिल्कुल, यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था, जाने देना मतलब कोई काम होने देने की बात हो रही है, और चाहिए था हमारा मॉडल है पास्ट ऑफ मॉडल, यानी कि हम यहां पर पास्ट ऑफ मॉडल का रूल भी अपना रहे हैं। ठीक है, तो चाहिए था के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं, और क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम यूज करेंगे यू शुड नॉट हैव, क्योंकि जो नॉट होता है वो हमारा थर्ड प्लेस पे यूज होता है। You should not have, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई let, you should not let him go like this, उसको तुम्हें ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था। तो वेरी इजी चैप्टर दिस इज, है ना, यू कैन इजिली लर्न के लेट का हमने क्या क्या यूज सीखा है। अगर हम पिछली वीडियो की बात करें तो उसमें हमने सीखा था कि जब वर्ब के साथ ने और दो आता है, जैसे कि मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, तो हमने लेट का यूज किया था। दूसरा हमने किया था कि आओ और चलो के लिए, चलो भाई आओ फिल्म देखने चलते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं, सजेशन वाले वाक्य। और ये तीसरा रीजन है हमारा कोई काम होने देना, उसमें आप किसी भी टेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं और एक मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से इस वीडियो को दो तीन बार देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट्स है इन चीजों को लेकर, इस टॉपिक को लेकर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।